हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो आज हम जो अगला हमारा टॉपिक है डेट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो लेक्चर नंबर है हमारा पहला। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंटिन्यू क्लास यूट्यूब पर और अपने ऐप पर कंटिन्यूस क्लास चला रहे हैं अपनी। और हमारा ये टॉपिक है, पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में लेक्चर नंबर हमारा 4 है। कौन सा है? चौथा है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे रीजनरेशन से। रीजनरेशन यानी जिसे हिंदी में बेटा बोलते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, इसके सारे डिस्कस करेंगे। और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक पार्ट है यानी भाग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसे हमने अपने एक ट्रिक के माध्यम से हमने बता दिया है। वो पिछली वीडियो में आप देख लेना, लेक्चर नंबर 2 में आएंगे, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या आप ऐप में जाकर के ऐप में क्रम से वहाँ पर लगे होंगे। इसकी प्लेलिस्ट देख लेना आप, प्लेलिस्ट में हो तो, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपके नीट में भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। कहाँ पर? नीट में। तो हम नीट के क्वेश्चन आपको संग संग कराते रहेंगे, बोर्ड के साथ ही साथ नीट के, पैरामेडिकल के, GNM के, BSc नर्सिंग के, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। कौन से सन में और कौन से मेडिकल एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया था, इस प्रकार के हम क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। और अपनी प्रिपरेशन एक बढ़िया तरीके से हम करते रहेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छी तरीके से समझते रहोगे। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन। आखिर रीजनरेशन क्या है, सबसे पहले बताऊँ, हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, उसमें ये हमारा है रीजनरेशन। और रीजनरेशन को हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन। कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने घर पर देखी होगी छिपकली, जिसे लेजार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो लेजार्ड देखी हुई आपने, देखा होगा उसकी जब पूंछ कट जाती है किसी कार्ड बस उसकी, क्या कट जाती है, पूंछ कट जाती है, तब क्या होता है, तब वो कुछ दिनों बाद उसकी पूंछ, आपने सुना होगा उसकी पूंछ निकल आती है, 15-20 दिन बाद उसकी पूंछ निकल आती है। मुझे ये फैक्ट बिल्कुल सही है, उसकी पूंछ कटने के बाद निकल आती है। और आपने देखा होगा जब उसकी पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ फड़फड़ाती रहती है कुछ देर तक, यानी कुछ देर तक वो मूवमेंट करती रहती है, राइट। तो ये भी फैक्ट है, हाँ। उसमें जो उसकी जो पूंछ रीजनरेट हो रही है तो उसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। यानी किसी छिपकली की या लेजार्ड की पूंछ कटने के बाद कुछ 15-20 दिन बाद क्या हो गई, वो पूंछ पुनः आ गई, यानी पुनरुद्भवन हो गया, उसमें पुनः विकास हो गया, उसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखो, आपके नीट में किस प्रकार से पूछेगा, इनमें से पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपको देगा छिपकली, स्टारफिश, हाइड्रा, ठीक है। इनमें से कोई एक देगा तो इस तीनों में पाया जाता है, ये इसके एग्जांपल है। देखो, पहले डेफिनेशन लिखो, और सब लोग कॉपी पेन लेके लिखेंगे इसे और डेफिनेशन लिखते रहें। जब किसी जीव को काट दिया जाता है, या जब कोई जीव कट जाता है या किसी काट दिया जाता है, तो विभिन्न भागों में बट जाता है। कैसा हो जाता है? बट जाता है, ठीक है। और वह भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। पहले से उस जीव में 75% भाग उपस्थित होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका क्या है, जीव है, तो इसमें से 75% भाग होना चाहिए, तभी ये 25% कवर अप करेगा। ये फैक्ट होता है, ये बायोलॉजिकल, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसे रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहते हैं। मान लीजिए हमारी छिपकली बना ली हमने, और ये यहाँ से क्या हो गई, कट हो गई, और आगे चल के कट होने के बाद और ये दोबारा निकल आई है, तो डेट इज कॉल्ड रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए, अभी नहीं समझ में आया आपके लिए हमने इमेज लेकर आए सभी बच्चों के लिए। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा जो आपके नीट में पूछा जाता है, पहले मैं नीट के लिए बता दूं, यहाँ पर नीट में जो आपका पूछा जाएगा नीट में, तो उसमें प्लेनेरिया पूछा जाता है।
प्लेन एरिया का उसमें ऑब्जेक्ट में दिएगा या उससे मैच आपको करवाएगा, इसमें से रीइंडेशन पाया जाता है। तो हाइड्रा में ही पाया जाता है और प्लेन एरिया लार्वा होता है उसमें भी पाया जाता है और आपकी स्टारफिश यानी तारा मछली में पाया जाता है। हाइड्रा को इंग्लिश में हाइड्रा ही बोलते हैं और प्लेन एरिया को हिंदी में प्लेन एरिया ही बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है प्लेन एरिया, प्लेन एरिया यहाँ से क्या हो गई कट और इसे अगला जीव का निर्माण इसने कर लिया, एक से दो जीव बन गए। मान ली हाइड्रा यहाँ से कट गया, कटने के बाद इसने नया एक हाइड्रा बना लिया। एक क्या है स्टारफिश, स्टारफिश की पूंछ कट गई और कटने के बाद इसने नई नया जीव बना लिया। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और इसमें एक और निकाल ले जा छिपकली, तीन चार एग्जांपल लिख लो, क्या लिखो यहाँ पर छिपकली या ले जा, कितने हो गए चार एग्जांपल हो गए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें जल्दी से। क्वेश्चन ऑफ पोर स्टूडेंट, ए सेक्स रिप्रोडक्शन आर फाउंड यानी अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, कौन बताएगा? जो स्टूडेंट ना बता पाए उसे गिफ्ट फ्री मिलेगा, तो मत बता कमेंट में जल्दी से, इसे गिफ्ट चाहिए वो इसे बिल्कुल न बताए, ठीक है करो जल्दी से। जहाँ पर मेरे लिए रिवीजन, जहाँ पर रिवीजन आया है आपके लिए, तो जल्दी से इनकी लाइव स्पेल लिखे जल्दी से। सारे सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर जितने यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं अभी, यूट्यूब पर पढ़ते हैं जितने स्टूडेंट, वो मुझे व्हाट्सएप पर इसकी शेयर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। चलो ये रिवीजन है, इसमें पूछ रहा है, मैं आपको समझा दूँ, लाइफ स्पेन ऑफ हॉर्स यानी घोड़े का जीवन काल कितना होता है, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है लाइफ स्पेन ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का कितना होता है वो लिखना है आपको, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ डॉग, डॉग का यानी कुत्ते का कितना होता है, लाइफ स्पेन ऑफ बनाना ट्री। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करने, लिख करके हमें बताने, आपको मैंने पहले से करा दिए थे और आपको ट्रिक के माध्यम से भी मैंने याद करा चुका हूँ इसे। तो ये काम आपका है फॉर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो हमारा लास्ट कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहाँ से बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप और यहाँ से पढ़ने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, इसे हिंदी और इंग्लिश में सबसे पहले आप इसे जानो, क्या जानोगे इसे हिंदी और इंग्लिश में, ये हमारा वेजिटेटिव, हाँ हम पढ़ाते वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कह सकते हैं, या कायिक जनन कह सकते हैं, या कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं, या इसे वृद्धि जनन भी कह देते हैं इसे, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है, पहले इसके फंडामेंट समझिएगा, इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी है, वो चीज़ क्या है, वेजिटेटिव प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, वेजिटेटिव यानी रिप्रोडक्शन प्लांट के कौन कौन से भाग से हो सकता है, पहले उसे जानेंगे तब उसके बाद हम अदर चीज़ को हम समझेंगे, तब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो समझो सबसे पहले हम चलते सबसे पहले नोटपैड पर,
देखो सबसे पहले समझो से, टाइम तो लगेगा बस समझ लो। ये आपको पता है ये क्या चीज़ है, पत्ती है। ये आपको पता है तना है। ये लीफ है और ये रूट है। टहनी जड़ है, इतने पता है। ये आपको पता है पुष्प है। इतने पार्ट आपको पता होंगे, रूट स्टेम पत्ती लीफ राइट। पहला जड़ तना पत्ती पुष्प, ये आपको पता है। नंबर एक सबसे पहले हमारा है नंबर एक, नंबर दो पे तना, नंबर तीन पर हमारा आती पत्ती और नंबर चार पे आता है हमारा पुष्प। चार पार्ट आपको पता होंगे तो हम समझ सकते हैं इनके कायिक भाग हमारे पादप में कौन कौन से होते हैं। तो इनमें ऐसे जो तीन भाग हैं वो कौन से, कायिक भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कायिक भाग। देखो इधर कौन कौन से होते हैं हमारे कायिक भाग। एक हमारा जड़, जड़ से आपने देखा होगा जड़ से एक नया पौधा बन जाता है। जड़ से क्या बनता है, जड़ से एक नया पौधा बन जाता है। और तो इस प्रकार के हुए रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर कोई पौधा तना के द्वारा कोई पौधा अगर नया बन रहा है, जैसे आलू वगैरह आलू बनते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे से, मतलब एक तना से दूसरा पौधा बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बोलते हैं। और आपने देखा होगा बल्बुल्स है ना, बाई प्रतिकलिका द्वारा होता है रिप्रोडक्शन, वो पत्तियों द्वारा होता है। और जड़ द्वारा आपको देखा होगा शीशम द्वारा, शीशम में किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है। और आपने देखा होगा स्टेम यानी आलू, आलू में किसके द्वारा होता है, तना द्वारा होता है। और भाई बुलबुल्स माने पत्तियों द्वारा होता है। मैं आपको कराऊंगा अभी, तो आप समझिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है होता है उसमें जड़ और तना और पत्ती ये होते हैं कायिक भाग पादप के। तो इनसे एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक जनन कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। अब कायिक के प्रकार मैं आपको समझा देता हूँ। काय के भाग समझो, तो अलग मैं आप बता दूँ, मेरे यहाँ पर बायोलॉजी की नोट्स हैं और बायोलॉजी की क्लासें हमारे यहाँ पर चलती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप क्या करोगे, कॉल करके बायोलॉजी की नोट्स और क्लास वगैरह परचेज कर सकते हो आसानी से, समझ गए। अब देखो डेफिनेशन लिख लो इसकी, डेफिनेशन रखो। जब पादप के कायिक भाग जैसे जड़ तना पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण होता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहता है, प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। जो अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो सेल्फ होता है जो प्राकृतिक में सेल्फ हो जाता है, और कुछ में क्या करते हैं हम मनुष्य द्वारा इसमें कराते हैं, ठीक है। तो यानी पहला में पहली यानी लगाओ प्राकृतिक वर्धी जनन और दूसरी लगाओ कृत्रिम वर्धी जनन। पहले हम पढ़ेंगे कृत्रिम पढ़ेंगे यानी सॉरी प्राकृतिक पढ़ेंगे, प्राकृतिक यानी जो अपने आप हो यानी स्वयं हो, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक वर्धी जनन। तो देखो एडिंग लगा लो, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो जड़ों द्वारा होगा प्रोपोगेशन और तना द्वारा पत्ती द्वारा। सबसे पहले पढ़ते हैं रूट द्वारा यानी जड़ों द्वारा,
ठीक है, तो इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसे इसमें कुछ करना है नहीं हमें। इसमें मूसला जड़ एवं अपस्थानिक जड़ें यानी एडवेंटिशियस जो रूट होती है वे क्या करती हैं, वो मूसला के द्वारा यानी दोनों के द्वारा नए पादपों का निर्माण करती हैं। जो शीशम है, शीशम यानी डलवेरिया शिशु, डलवेरिया शिशु एक प्लांट होता है, किसका शिशु को होता है, जो शीशिया बोलते हैं शीशम, तो उसमें क्या होता है, उसमें जड़ों से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं आपको लिखना है, अमरूद में हो जाता है, उसमें क्या होती है, जो मूसला जड़ें होती हैं वहाँ से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट्स। एम आई क्लियर? देखो ये शीशम आपको दिख रही है, शीशम दिख रही है आपको, तो शीशम आपने देखा होगा, ये शीशम और ये क्या चीज़ है, दूसरी शीशम है, और ये दूसरी शीशम, ये दूसरी शीशम है, ये दूसरी शीशम है, और ये क्या है, अमरूद है, खाने का मन चल रहा होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, जड़ों को काट के एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अब अगले आगे पढ़ेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हम स्टेम वाला अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।